नमस्कार, प्रस्तुत है क्लास 8 स्पेशल एग्जाम 2023 के गणित का हल प्रश्न पत्र और इस का ये पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो और प्रस्तुत किए हैं जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेके 30 तक के प्रश्नों को हल किया है। पार्ट 4 वीडियो में मैं प्रश्न संख्या 31 से लेके 40 तक के प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 31, 13/25 ये भाग है, देखिए गौर कीजिएगा, ये जो है ना ये भाग है और ये खाली स्थान बराबर 13/5 में रिक्त स्थान में होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये जो खाली स्थान है तो हम मान लेते हैं कि खाली स्थान में x होगा, तो ये हो जाएगा 13/25, ये भाग था इसको गुना में बदलते हैं तो फिर ये हो जाएगा 1/x इसका 2, ये 13/5। अब यहां पर देखिए ये 13/25 है और ये 13/5, तो इसे ऐसा करेंगे कि ये जो 1/x है ना, 1/x, तो जब हम इसको इधर ला रहे हैं x को तो ये गुने में आ जाएगा, गुना x। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो दाहिनी ओर 13/5 है इसको बाई ओर लाएंगे, 13/25 गुना, जब ये 13/5 को बाई ओर लाएंगे तो 5 ये अंश में आ जाएगा और 13 हर में आ जाएगा बराबर x। तो यहां देखिए ये 5 एका 5 और 5 पचे 25 और ये 13 एका 13 13 एका 13, तो ये हमारा आ गया 1/5 बराबर x, यानी x का मान आ गया 1/5। ये ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 32 देखिए, 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या है। तो समतुल्य परिमेय संख्या का अर्थ यह होता है जिसका मान दी गई जो दिया गया जो परिमेय संख्या उसी के बराबर होता है। तो आइए एक एक ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 8/20, अगर इसमें हम 4 से भाग देते हैं अंश में भी और ये 4 से भाग देते हैं हर में भी, तो ये कितना हो जाता है, ये आ जाएगा 2/5 है ना। तो अर्थात ये 8/20 ही हमारा उत्तर है और ये 2/5 का समतुल्य भिन्न है, सॉरी परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 33 है, 4900 का वर्गमूल है, तो निकालते हैं इसको, 4900 का वर्गमूल। अब यहां देखिए ये 2 शून्य अभी छोड़ दीजिए, ये 49, तो 49 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होगा, 7 होता है। अब ये 2 शून्य की जगह 1 शून्य यहां बैठा दीजिए तो ये हो गया 70, यानी 4900 का वर्गमूल है 70। क्वेश्चन नंबर 34 है, 25 का वर्ग का मान कितना होगा। तो 25 का वर्ग का अर्थात है 25 गुना 25, यानी 625, ये ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 35 है, पाइथागोरस त्रिक होगा है ना, तो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, यह एक मैं बना रहा हूं समकोण त्रिभुज,
ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री का है। तो यहां पर ये हो गया आधार और ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो आधार को मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में बी, बी फॉर बेस, और ये लंब परपेंडिकुलर यानी पी, और कर्ण एच हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस ट्रिक के अनुसार बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी किसी त्रिभुज में अगर सब कोई अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो ये दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो इसी पर हम चेक करेंगे कि ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन इस ट्रिक को सेटिस्फाई करते हैं, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहां देखते हैं दो का स्क्वायर कितना होगा, दो स्क्वायर ये तीन स्क्वायर करते हैं, ये चार स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर हो गया चार प्लस नौ सॉरी तो ये हो जाता है तेरह, और ये चार का स्क्वायर कितना होता है सोलह, ये तो बराबर नहीं है, तो ये नहीं है, ट्रिक नहीं है। यहां देखते हैं चार का स्क्वायर छह स्क्वायर और आठ स्क्वायर, तो चार का स्क्वायर हो गया सोलह, छह का स्क्वायर हो गया छत्तीस, और छत्तीस और सोलह को जोड़ते हैं तो छह छह बारह का दो, हाथ में रहा एक। मैं इसे बड़ा लिखता हूं क्योंकि किसी ने छात्र या शिक्षक ने ये कहा था भी मेरे चैनल में कि आप ये जो लिखते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, है ना, थोड़ा बड़ा करके। तो ये चार का स्क्वायर है 16 जोड़ ये 36, ये बराबर हो गया 6 6 12 का 2, हाथ में रहा 1 3 1 4 1 5, और ये जो 8 का वर्ग है तो ये हो रहा है कितना 64, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब इसको देखते हैं, पांच का वर्ग ये 12 का वर्ग ये 13 का वर्ग, तो पांच का वर्ग हो जा रहा है 25, 12 का वर्ग हो जाएगा 144। अब इसको जोड़ते हैं, पांच चार नौ, चार दो छह और ये एक, 169, और 13 का वर्ग कितना होता है, ये भी 169 होता है। अर्थात ये जो तीसरा नंबर है यही पाइथागोरस त्रिक होगा। अब है 36 नंबर, 4.5 का वर्ग होगा, तो ये बड़ा सिंपल है, 4.5 का वर्ग, इसका अर्थ है 4.5 गुना 4.5, तो ये 45 गुना 45 कर दीजिए तो ये आ जा रहा है 2025। अभी हमने दशमलव के भिन्न में ऐसा ही होता सॉरी दशमलव के गुना में ऐसा ही होता है, अभी दशमलव पर विचार नहीं कीजिए, सीधे इसे गुना कर दीजिए, ये हो गया। अब यहां देखते हैं, इस दशमलव के बाद एक अंक है, इस दशमलव के बाद एक अंक, यानी कुल हो गए दो अंक। अब दाहिनी ओर से हम अंक दो अंक गिनते हैं, एक दो, और यहां दशमलव देते हैं, तो 4.5 का वर्ग हो गया ये ऑप्शन नंबर टू। प्रश्न संख्या 37, पांच के घन का इकाई अंक क्या होगा, तो पांच का घन कर लेते हैं, पांच का घन तो ये हो जाता है पांच गुना पांच गुना पांच, ये हो जाता है, अब गुना करेंगे 125, तो इकाई अंक क्या आया, पांच आया।
इस तरह के प्रश्नों को मैं याद करने के लिए नहीं कहूंगा, आप सीधे निकाल लें, आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। प्रश्न संख्या 38, यदि a बराबर 1 और b बराबर 2 हो तो a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a का मान होगा। तो यहां कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे कहा गया है वैसे मान बैठा देंगे। तो a का पावर ये b प्लस b का पावर a बराबर a का मान है यहां 1 और b का मान है 2 प्लस b का मान है 2 और इसका पावर है a। तो ये हो गया 2 का घात सॉरी 1 का घात 2 यानी 1 और 2 का घात 1 यानी 2। तो ये हो गया 1 जोड़ 2 यानी 3। तो ये ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 39, 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 का मान होगा। तो हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या का पावर अगर शून्य है तो उसका मान 1 होता है। तो ये 2 का पावर शून्य का अर्थ हो गया मान हो गया 1 और इसका भी मान हो गया 1 यानी 1 जोड़ 1 2। ये ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 40, 3.5 गुना 10 का घात माइनस 60 का सामान्य रूप है। तो इसे हम ऐसा करेंगे, ये 3.5 है, ठीक है ना। अब ये घात को देखते हैं, माइनस 7 है, तो इस दशमलव को हम 7 अंक बाईं ओर लाएंगे और 7 अंक बाईं ओर लाने का मतलब और यहां से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर से गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये दशमलव जो है उठ के कहां आ जाएगा, यहां पर, है ना। और इसके बाद ये पूर्ण संख्या में 0। तो ये क्या हो गया, मैं इसे फिर से मिटा के लिखता हूं, ये हो गया 0.00000003। ये दशमलव तो उठ के यहां आ गया है, ये अब दशमलव तो रहा नहीं, इसी को तो उठाकर उधर ले गए। तो ये हो गया 0.00000035, यानी ये पहला वाला ऑप्शन सही है। तो इस पार्ट 4 वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 31 लेके 40 तक के प्रश्नों को हल किया है। आप इसे फिर से प्रैक्टिस करके इसका अभ्यास करें और ज्यादा अभ्यास करें, इस तरह के और प्रश्नों को आप बनाएं। अगली वीडियो में मैं प्रश्न संख्या 41 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को हल करूंगा। धन्यवाद।